हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल की टॉप 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप एक्सेल में अपने वर्क को पहले से काफ़ी ज़्यादा इजी और स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं। अगर आप भी एक एक्सेल यूज़र हैं, अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो आइए देखते हैं ये एक्सेल की कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है और किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक हमें Instagram के ऊपर फॉलो नहीं किया, तो अब यहाँ पर भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि Instagram पे हम आपको डेली बेस पे काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस और रील्स प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे आपकी नॉलेज पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एक्सेल की फाइल के अंदर आ चुके हैं, और इस वीडियो के अंदर हम आपको एक्सेल की 5 अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से आप एक्सेल में अपने वर्क को पहले से काफ़ी ज़्यादा इजी और स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर जो हमारी सबसे पहली ट्रिक है, उसकी मदद से हम एक्सेल में अपने किसी भी डेटा को कॉलम फॉर्मेट से कॉपी करके रॉ फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पहले से हमने अपना एक डेटा बना के रखा हुआ है, जिसमें पहले कॉलम के अंदर स्टूडेंट के रोल नंबर और दूसरे कॉलम के अंदर उनके नेम लिखे हैं। अब हम चाहते हैं ये पूरा डेटा कॉलम फॉर्मेट से कॉपी होकर रो फॉर्मेट में पेस्ट हो जाए, यानी डेटा हमें यहाँ पे लंबे तरीके से शो हो। तो कैसे करेंगे? सिंपल, उस डेटा को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से। पेस्ट करने के लिए किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, उस पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जिस पे लिखा हुआ है ट्रांसपोज, देन ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे एक ही क्लिक के अंदर पूरा डेटा हमारे रॉ फॉर्मेट में आ चुका है। एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं, जिस भी डेटा को आपने पेस्ट करना है उसको कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी आपने पेस्ट करना है रॉ फॉर्मेट में, एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से ट्रांसपोज पे क्लिक करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे, आपका पूरा डेटा कॉलम फॉर्मेट से कॉपी होकर रॉ फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपका इसमें काफ़ी समय बच जाता है। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी सेकंड ट्रिक है, इसकी मदद से हम अपने पूरे डेटा के फॉर्मेट को सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे पहले से हमने अपना एक डेटा बना के रखा हुआ है, अब ये डेटा गलत सीरीज के अंदर अरेंज है। आप देखेंगे सबसे पहले स्टॉक आइटम आ रहा है, उसके बाद टोटल अमाउंट, पार्टी नेम, HSN कोड, रेड, सीरियल नंबर और क्वांटिटी। इसको हमें एक ही क्लिक के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से सीरियल नंबर से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपने डेटा के ऊपर एक रो को खाली छोड़ देते हैं, और वहाँ पे जो उसका सही सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं। सीरियल नंबर सबसे पहले नंबर पे आता है, तो यहाँ पे इसके ऊपर 1 लिख देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम दूसरे नंबर पे आता है, इसके ऊपर 2 लिख देते हैं। सेम इसी तरीके से स्टॉक आइटम को 3 कर देते हैं, HSN कोड को 4 कर देते हैं, क्वान्टिटी को 5 कर देते हैं, रेट को 6 और यहाँ पर टोटल अमाउंट को 7। तो ये इसका बिल्कुल सही सीरियल नंबर है। अब इतना करने के बाद इस पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम शॉर्ट अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ डेटा टैब में आ जाते हैं, देन यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसपे लिखा हुआ है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ओके करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिसपे लिखा हुआ है रो, तो यहाँ पे शॉर्ट बाय रो नंबर 6 कर देंगे, क्योंकि जो हमने नया कॉलम बनाया है वो हमारा रो नंबर 6 है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। हम चाहते हैं जो हमारा पूरा डेटा है इसके अकॉर्डिंग ही सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए। देन उसके बाद लास्ट में ऑर्डर, तो ऑर्डर के अंदर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। ओके करते हमारा पूरा डेटा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमें शो जाएगा। तो आप देखेंगे ये इसका बिल्कुल सही फॉर्मेट है, और हमारा काफ़ी समय इसके अंदर बच जाएगा। सबसे पहले नंबर पे सीरियल नंबर आ गया, पार्टी अकाउंट नेम, स्टॉक आइटम, HSN कोड, यानी जिस तरीके से हमने इसको अरेंज करना था ये उसी तरीके से हो चुका है। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी तीसरे नंबर की ट्रिक है, एग्जांपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे पहले से हमने अपना एक डेटा बना के रखा हुआ है, अब हम चाहते हैं इस डेटा के अंदर हर एक रो के नीचे हमें एक ब्लैंक लाइन शो हो जाए, यानी एक ब्लैंक रो शो हो। तो किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए जितना भी आपका डेटा होगा उस डेटा के आगे सबसे पहले आप एक सीरियल नंबर लिख दीजिए, एग्जाम्पल के लिए 1 2, जितना भी आपका डेटा है नीचे की तरफ उसको ड्रैग कर दीजिए, देन इस पूरे को कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद नीचे दोबारा एक बार पेस्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे हमने सबसे पहले जितना भी हमारा डेटा है उसके आगे एक सीरियल नंबर लिख दिया, उसे कॉपी करने के बाद नीचे की तरफ सेव सीरियल नंबर को पेस्ट कर दिया। इतना सा करने के बाद यहाँ पे आपको एक फिल्टर को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम इस पूरे के पूरे रो को सिलेक्ट कर देते हैं जो हमारी हेडिंग है, यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। देन उसके बाद जब हमने नया कॉलम बनाया इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे जितना भी बड़ा आपका डेटा होगा सभी के नीचे एक एक आपको एक्स्ट्रा रो शो हो जाएगी। अब यहाँ पे जो भी आपने नया यहाँ पे कॉलम बनाया इसको हम हाइड कर देते हैं कंट्रोल 0 से। देन अब यहाँ पे आपका जितना भी डेटा है इसके ऊपर हम बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं,
तो आप देखेंगे काफी आसानी से हमारे पूरे डेटा के अंदर हर एक रो के नीचे हमें एक एक्स्ट्रा रो मिल चुकी है। तो उस टाइम पे ये ट्रिक काफी यूजफुल होगी जब आपका कोई ऐसा डेटा होगा जिसके अंदर आप हर एक रो के नीचे एक ब्लैंक रो को चाहते हैं। तो ऐसे में आप अपने पूरे डेटा के आगे एक सीरियल नंबर लिख दीजिए। सीरियल नंबर लिखने के बाद सेम उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। फिल्टर लगाने के बाद उसको शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिए, आपकी हर एक रो के नीचे एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएगा। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी फोर्थ नंबर की ट्रिक है, हम यहाँ पे अपने पेज को स्प्लिट करेंगे। एग्जांपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने काफी बड़ा डेटा है। अब इस डेटा के अंदर हमें दो डे को आपस में कंपेयर कराना होगा। एग्जांपल के लिए हमें डे नंबर 10 को डे नंबर 31 से कंपेयर कराना है, तो हमें कंपेयर कराने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि डे नंबर 10 हमारा यहाँ पे है और 31 हमारा इस पेज से आगे निकल जाता है। तो ऐसे में हम एक ही पेज को दो पेज के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ रिव्यू टैब में आ जाएंगे और यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक अलग सी लाइन शो होगी, प्लस के अंदर शो हो रही है। जो आपकी रो वाली लाइन है इसको ऊपर की तरफ हम पूरा ले जाएंगे, देन जो कॉलम वाली लाइन है इसको यहाँ पे जितना स्प्लिट करना चाहते हैं उतना कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए डे नंबर 12 के बाद हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, जिससे अब यहाँ पे हमारे दो पेजेस बन चुके हैं। दोनों का अलग अलग स्क्रॉल बार है, आप देखेंगे दोनों का आप अलग अलग स्क्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका डेटा काफी बड़ा है तो आप दो दिन को आपस में काफी आसानी से कंपेयर करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डे नंबर 10 को अगर मेरे को किसी दूसरे डे से कंपेयर कराना है तो जैसे ही मैं आगे की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे दूसरी शीट के अंदर काफी आसानी से मैं कंपेयर करा सकता हूँ। अब यहाँ पे डे नंबर 10 को डे नंबर 30 से कंपेयर कराया जा सकता है। अगर आपका भी डेटा काफ़ी बड़ा है तो ऐसे में आप अपनी शीट को स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे उन दोनों शीटों का अलग अलग आपको स्क्रॉल बार शो होगा और दोनों के अंदर आपको अलग अलग डेटा शो होगा। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी पांचवी और आखिरी ट्रिक है, इसकी मदद से हम अपने ब्लैंक सेल्स को एक साथ ही फिल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमने अपना एक डेटा बना के रखा हुआ है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं उनके डे के हिसाब से। अब यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे हमारे सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक है, जिनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हम चाहते हैं जितने भी ब्लैंक सेल है सारे एक साथ ही हम फिल कर दें। तो उसके लिए पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जी प्रेस कीजिए, आप गो टू की स्क्रीन पर आ जाएंगे, यहाँ से स्पेशल पे क्लिक कर दीजिए, देन यहाँ पे ब्लैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करते आपको अपने माउस को कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, जितने भी आपके सेल होंगे, जितने भी ब्लैंक सेल होंगे सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे पहला सेल है ये आपको एडिटेबल फॉर्मेट में शो होगा, आप यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे बाकी सब में वो ऑटोमेटिक लिखी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ए और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो बाकी सब के ऊपर भी ए लिखा जाएगा, और यहाँ पे अब इन सब पे जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना चाहे एक साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे इसका फॉन्ट हमें रेड करना है तो रेड हो जाएगा, यहाँ पे सेल का कलर चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा। तो एक्सेल की ये भी काफ़ी यूजफुल ट्रिक है, इसकी मदद से आपके डेटा में जितना भी ब्लैंक एरिया होगा एक साथ ही आप उसको फिल कर सकते हैं। तो आई होप एक्सेल के पांचों ट्रिक्स आपको काफ़ी यूजफुल लगी होंगी, इससे आप अपने वर्क को पहले से काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए कॉम्बो ऑफर लाए हैं, जिसके अंदर आपको MS Excel बेसिक टू एडवांस कोर्स और टेली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स दोनों एक साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkmalik.in पे आ जाइए, और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज के अंदर दो कोर्सेज एक साथ ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सबसे पहला टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स और दूसरा MS Excel बेसिक टू एडवांस कोर्स। वैसे ये दोनों कोर्सेज अलग अलग प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन इस ऑफर के अंदर ये दोनों कोर्सेज आपको एक साथ ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका प्राइस है 500। 500 रुपये के अंदर इन दोनों कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा, और फ्यूचर में आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स ऑटोमेटिक इसके अंदर ऐड होते रहेंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप यहां पे रीड मोर पे क्लिक करके बाकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इन कोर्सेज के अंदर आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और साथ ही में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।